हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसके एमसीक्यू जो कुछ बच गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। जितना भी टाइम मिलेगा वो हम डिस्कस करते हैं, बाकी की फ़ोटो आपके पास भेज दी जाएगी, आप लोग अपना सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिया है। एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई -7 गिव्स 119 यानी 119। फाइंड द इंटीजर, तो आपको इंटीजर बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई -7, तो हमने एक्स मान लिया इंटीजर को और मल्टीप्लाइड बाई -7 इज इक्वल टू क्या आता है आपका, कितना देता है वो? एन इंटीजर मल्टीप्लाइड बाई -7 इज 119 इज इक्वल टू 119 हो गया, ठीक है? तो हमें इंटीजर निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर 119 और ये -7 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से पहली बात तो हम लोग डिसाइड करते हैं साइन माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो डिवाइड करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ से 7 से कट करते हैं, तो 7 1 ज़ और 7 1 ज़ और 7 7 ज़ 49 होते हैं, ठीक है? तो ये कितने आ जाएंगे आपके, -17 आ जाएंगे। तो -17 आपका आंसर कौन सा रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन ये, -17 आ जाएंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। तो इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम बताएंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना आता है, ठीक है? अभी ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब अपॉन में लिख सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, -336 डिवाइड बाई, जैसे ये -12 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ -336 और डिवाइड बाई -12, ऐसे अपॉन में कर दिया मैंने, क्योंकि माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब 12 से काटते हैं, तो 12 1 ज़ 12 2 ज़, ठीक है, और 12 8 ज़, ठीक है, तो ये आ गया आपका 28 आ गया, ठीक है, इस तरह से 28 आपका आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स ये 28 है, तो इसको मैं 28/1 लिख सकता हूँ, ठीक है? तो 28/1 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए उसको उल्टा करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/28 इसका उल्टा करने के बाद। तो हमारा ये 28 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा 1/28। तो ये इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका, ऑप्शन डी है वो सही रहेगा, ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। स्टूडेंट्स आपको साइन का भी ध्यान रखना है और सारा कुछ, सॉरी ये ऑप्शन डी नहीं रहेगा, ये गलती हो गई, क्योंकि ये माइनस, सॉरी ये 1/28 था तो ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इसमें नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ से 1/28 है ना, तो ये ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ये यहाँ से, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आपका ये आया था ना, तो ये आएगा 1/28, तो ये ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट रहेगा, ये गलती से हो गया तो इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 2 इज, तो आपको इंटीजर्स -3 और 2 के बीच में जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, तो -3 और 2 के बीच में जो नंबर आते हैं वो, तो उसमें आते हैं हमारे -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, और ये 2 तो इसके बीच में है, तो 2 को हम लेंगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ से इनका प्रोडक्ट जब हम कर दें तो प्रोडक्ट कितना आएगा, -2 -1 0 1। तो क्योंकि ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाएगा, तो इसका कितना आएगा, ये 0 आएगा, क्योंकि इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को फिर 0 से किया तो 0 हो गया, 0 को 1 से किया तो फिर 0 आ गया, तो लास्ट में आपका कितना आएगा, 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका, ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो -3 और 2 के बीच में जो नंबर आएंगे वो नंबर आपके -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा, ठीक है, ये नंबर आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम लोग अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी -a+b इफ़ ए इज इक्वल टू दी ए इज इक्वल टू -4 और बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम लोग इसका देख लेते हैं, यहाँ से ए मल्टीप्लाई बी -a+b
इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4 है। फिर उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर माइनस, ये ब्रैकेट लगा देता हूँ इसमें, तो यहाँ से फिर आपका ए कितना है, ए कितना है, -4 है। और बी कितना है, यहाँ से ये वाला बी, ये +3 है, ठीक है। इसको जब सोल्व करते तो हमारे पास कितना आता है, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया माइनस। अब इनको सोल्व किया तो कितना आएगा, ये -4 है और +3, तो -1 आ जाएगा। इसके बाद इसको फिर सोल्व करता हूँ मैं, तो ये माइनस के 12 हो गए, और ये ब्रैकेट से पहले ये माइनस आए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो +1 हो गया, तो इसका कितना आएगा, -11 आंसर आ जाएगा। तो -11 आपका आंसर दे रखा है इसमें, ये रहा ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अपना ये फोर्थ क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई हाउ मच डज -3 एक्सीड -5। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि -3 है वो -5 से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा कि -3 है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो कितना ये है ये इससे कितना ज़्यादा है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बार करके देख लेते हैं, -3 माइनस करने के लिए, और ये -5, इसको आपको सोल्व करना है, तो ये -3 हो गया, और इस ब्रैकेट से पहले ये माइनस आए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +5 हो गए। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 5 प्लस के हैं और 3 माइनस के हैं, ठीक है, ज़्यादा तो ये हैं, तो ये इसका साइन आएगा, तो साइन तो आएगा प्लस का, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, तो +2 आंसर आएगा इसका, तो इसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये फिफ्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सोल्व एमसीक्यूज़ आपको सोल्व करने हैं, और चैप्टर 1 और 2 के एमसीक्यू हैं, उनकी फ़ोटो आपके पास भेजी जा रही है और आज भी भेजी जाएगी, तो ये क्वेश्चंस विल बी सेंट, वो क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे फ़ोटो के माध्यम से आपके पास। और स्टूडेंट्स जो हमारा यूनिट टेस्ट होगा 25 जुलाई के बाद, उसमें आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को शामिल किया गया है, और उसमें ओनली एमसीक्यू ही आएंगे, वो 20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, तो और वो आपको कैंपस प्रो एडवांस के माध्यम से देने होंगे, यानी कैंपस प्रो एडवांस जो है उससे आपको वो ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करके और उसको इंस्टॉल कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।